सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज ना मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ हैंडमेड पेंटिंग किट। वाओ, कितनी अमेजिंग सी है। तो चलिए आज हम लोग डायमंड पेंटिंग फर्स्ट टाइम करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग कर भी चुके होंगे क्योंकि काफ़ी दिन पहले ही निकल चुके हैं। मैं अभी ट्राई करने जा रही हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पे डॉल की क्यूट सी पिक्चर दी हुई है। एंड देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। यहाँ पे एक स्ट्रॉ दिया है, बहुत सारे डायमंड स्टोन है, एंड यहाँ पे एक फ्रेम। तो शायद ये वाली डॉल को हमें इस फ्रेम में लगाना होगा। तो चलिए पहले हम लोग अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं डायमंड पेंटिंग। सो इसके लिए चलिए फर्स्ट ही डायमंड हम लोग ये प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इसके साथ हमें टेप भी दिया हुआ है, जब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये फ्रेम पे स्टिक करने के लिए। एंड ये स्ट्रॉ से हम लोग देखिए ये वाली डायमंड पेंटिंग करेंगे। तो चलिए पहले सारी जो स्टोन्स है वो ये वाली प्लेट में निकाल लेते हैं। वैसे यार ये पिक्चर बहुत क्यूट सी, इस पर सारे डायमंड्स लगेंगे तो कितनी अमेजिंग सी लगेगी। एंड यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपको यहाँ पर नंबर दिया है, तो उससे आपको अरेंज करके डायमंड लगाना है। यहाँ पर फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लाइट पर्पल कलर है, सेकंड में डार्क पर्पल है, थर्ड में देखिए पिंक है, फोर्थ में येलो, फोर्थ में व्हाइट है, लास्ट में येलो है। तो देखिए सारे ही नंबर्स के हिसाब से आप लोग लगाएंगे ना तो बहुत इजी एंड बहुत अच्छे से लग जाएगा। लेकिन पता है इतने से ही डायमंड लगाने में मुझे पूरे 1.5 आवर लग गए। तो मुझे डायमंड पेंटिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी होता है। तो देखिए फर्स्ट पर लाइट पर्पल है, तो चलिए इससे लगा लेते हैं हम लोग। सो देखिए फर्स्ट नंबर के सारे डायमंड मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब सेकेंड वाला भी हम लोग लगा लेंगे। ऐसे हम लोग पूरे डायमंड कंप्लीट होने के बाद देखिए हमारी ना ये क्यूट सी डायमंड पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड ये ना फ्रेम में लगाने के बाद इतना ही प्यारा लग रहा था, मैंने इसे अपने ना क्राफ्ट डेस्क पे रखा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। वैसे कौन कौन डायमंड किट ट्राई कर चुका है मुझे कमेंट में बताना। एंड जो जो नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है वाली, एकदम यूनिक सी पेंटिंग है। तो चलिए यहाँ पे हमारी पेंटिंग तो कंप्लीट हो गई है, तो चलिए इसे हम लोग ये फ्रेम में एडजस्ट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना है मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से लेकर आ जाऊँगी। तो देखिए चलिए फ्रेम में हम लोग इसे एडजस्ट कर देते हैं। पहले देखिए बैक साइड हमें इसे रिमूव करना है। एंड जो भी ये पेंटिंग पहले से ट्राई कर चुका है तो अपनी फ्रेम की फ़ोटो ना मुझे इंस्टा के DM में सेंड करना। मेरी इंस्टा ID है @ZennyArtAndCraft, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, मैं बहुत अमेजिंग सी वीडियोज़ वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। सो देखिए यहाँ पे हमने पेंटिंग लगाने के बाद हमें ना यहाँ पे टेप भी मिलता है किट में ही, तो देखिए इसे हम लोग यहाँ पे स्टिक कर देंगे। वैसे ये किट में सारी चीज़ अवेलेबल है, बहुत अमेजिंग सी किट मैंने ली थी एक स्टेशनरी शॉप से। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्रेम में भी एडजस्ट कर दिया। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी क्यूट सा फ्रेम रेडी हो गया, कितना अमेजिंग लग रहा है ना। वैसे आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइस, लव यू ऑल।